हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। आज हम म्यूकर की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि म्यूकर क्या कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस जो आप देख रहे हैं अभी पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट में क्या हो रहा है कि म्यूकर माइकोसिस हो जा रही है। तो म्यूकर माइकोसिस कर कौन रहा है, किसका हाथ है म्यूकर माइकोसिस करने में? तो वो कौन सी फंगस है? म्यूकर फंगस है। म्यूकर फंगस क्या कर रही है? म्यूकर माइकोसिस कर रही है, ठीक। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उस चीज का फायदा उठा के म्यूकर वहां जाके ग्रो कर रही है। तो वही फंगस की पूरी लाइफ साइकिल आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। जो कॉलेज में एग्जामिनेशन होते हैं या फिर ये जो अभी सिचुएशन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बट अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं म्यूकर का डायग्राम देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये क्या है, आपको जो पिन पिन लाइक ऊपर से बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर वैक्यूलेटेड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलुमेला, वहां पे वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है। और ये जो एरियल पार्ट होता है जो सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करेगा उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और जो नीचे सबस्ट्रेट के नीचे जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं, उसके जो नीचे प्रेजेंट रहेगा वो उसके राइजोइड्स और हाइफी होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम देख रहे थे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी प्लांट के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए, ठीक है। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं हम। किंगडम, इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसीट्स, ऑर्डर म्यूकरेस, फैमिली म्यूकरेसी, जीनस म्यूकर, ठीक है। अब म्यूकर क्या है? सबसे कॉमन फंगस है, ठीक। बहुत ही कॉमन फंगस है, कहीं पे भी किसी भी सबस्ट्रेट पे कहीं पे भी आपको इजिली ग्रो करते हुए मिल सकती है। तो इसने बोला कि अच्छा मैं इतनी इजिली ग्रो कर जाता हूँ, तुम लोग मुझे भाव वाव नहीं देते हो, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे डिजीज करूंगा, ऐसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा कि तुम सब मुझे भाव देने लगोगे। तो इसने क्या करने लगी, म्यूकर माइकोसिस कॉज कर दी, ठीक है। जोक्स अपार्ट कि ये क्या करता है, म्यूकर क्या करता है, म्यूकर माइकोसिस कर सकता है, कर सकता है क्या, ये कर रहा है, ठीक है। ये म्यूकर प्लस राइजोपस, म्यूकर प्लस राइजोपस, ठीक है, ये दोनों भाई मिलके क्या कर रहे हैं, म्यूकर माइकोसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है म्यूकर, जिसको हम कॉमन समझते थे, कॉमन समझ के छोड़ देते थे, बट इसको छोड़ना नहीं है, इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीटली पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन कॉज म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस हो रहा है दैट मींस इट इन्फेक्ट अवर वाइटल ऑर्गन, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है दैट इज लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट हो गया, इवन बोन्स हो गई, उसको भी ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। और देखा गया है कि 50 to 60% इसका क्या है, मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस का अगर मोर्टेलिटी रेट हम देखें तो 50 to 60% इसका मोर्टेलिटी रेट है। ये क्या है, कॉमन मेंबर है, कॉमनली हमें ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। इसका नाम, कॉमन नेम है पिन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है हमें, पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर म्यूकर का, ये पिन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और ये क्या है, एज अ सेप्रोफाइट ग्रो करता है इन ऑर्गेनिक रिच सबस्ट्रेट में, ठीक है, एज अ सेप्रोफाइट, सड़ी गली चीजों को, सब चीजों को सड़ाने का काम क्या है, म्यूकर का है। तो ऑर्गेनिक रिच सबस्ट्रेटम पे ग्रो करेगा, ठीक है। अब अगर इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका माइसीलियम क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सिनोसिटिक होता है, और ये क्या करता है, व्हाइट और ग्रे और ब्राउनिश कलर की कॉलोनीज बनाता है, ठीक है। अगर हम इसका सब कल्चर करें या फिर इसको ग्रो करवाएं या फिर किसी भी चीजों पे अगर हम देखें तो व्हाइट कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के पैचेस अगर हम दिख, हमें दिख रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पे क्या है, म्यूकर का क्या है, इन्फेक्शन है, म्यूकर वहां पे ग्रो कर रहा है। तो इसका माइसीलियम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है इसका, द माइसीलियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एरियल पार्ट एंड प्रोस्ट्रेट हाइफी, ठीक है। एरियल पार्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, हवा में जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एरियल पार्ट हो गया। और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो ऐसे प्रोलिफरेट करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट हाइफी, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा, ये स्पोरेंजियम होगा, दिस इज स्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर होगा, दिस इज स्पोरेंजियोफोर, ये वाला पार्ट जो हवा में रहेगा उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, ठीक है। एरियल हाइफी जो हवा में रहेगा, हाइफी का पार्ट उसको हम बोलते हैं एरियल हाइफी, दैट इज स्पोरेंजियोफोर। और ये वाला पार्ट जो प्रोस्ट्रेट करेगा इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट हाइफी। समझ में आ गया इतना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका माइसीलियम दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला हो गया एरियल पार्ट जो हवा में रहेगा उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और दूसरा हो गया प्रोस्ट्रेट वाला पार्ट जिसको, जो क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है।
जो प्रोस्टेट हाइफी है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। वो क्या करेगा, प्रोस्टेट हाइफी सबस्टेटम में होगा, सबस्टेटम के साथ अटैच रहेगा, बट स्पोरेंजियोफोर क्या करेगा, वो एयर एरियल पार्ट है, एरियल हाइफी यानी कि वो हवा में होगा, वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। तो एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, प्रोस्टेट हाइफी का काम है कि वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। और यंग हाइफी में क्या होगा, सेप्टा विदाउट सेप्टा होंगी यंग हाइफी, ये मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूँ कि यंग हाइफी क्या होगी, विदाउट सेप्टा होगी। बट सेप्टा का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसमें जब वो ओल्ड हो जाएंगी या फिर उसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तब वो क्या करेंगे, सेप्टा का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रही हूँ, तो अच्छे से आप लोग इसको समझिए कि म्यूकर में क्या देखा गया है। अगर हम म्यूकर का कल्चर लेते हैं, ठीक है, अगर म्यूकर के लिक्विड कल्चर को हम एनारोबिक कंडीशन में डाल देते हैं, एनारोबिक कंडीशन यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस करवा देते हैं, ठीक है, और स्पेशली CO2 की प्रेजेंस करवा देते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसका जो माइसीलियम है, ये ब्रांच्ड माइसीलियम होगा, ये क्या हो जाता है, ईस्ट लाइक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही ईस्ट लाइक बॉडीज में इसका माइसिलियम क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब यहाँ पे क्या कर देंगे हम एनएरोबिक कंडीशन कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एब्सेंट हो गया, बिल्कुल ही कम है ऑक्सीजन, कंप्लीटली क्या कर दिया है हमने, ऑक्सीजन हटा दिए वहां से, और स्पेशली क्या डाल दिया है वहां पे, किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, CO2 की कंसेंट्रेशन हमने वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो इसका फिलामेंटस जो माइसिलियम होता है, फिलामेंटस फॉर्म होती है माइसिलियम की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ईस्ट लाइक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ईस्ट लाइक बॉडीज में, ठीक है। फिर अगर हम इसी को, जो ये ईस्ट लाइक बॉडीज को फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिलवाते हैं, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे डाल देते हैं, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो वापस से ये अपने किस फॉर्म में आ जाता है, फिलामेंटस फॉर्म में आ जाता है। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, कि ये फिलामेंटस स्टेज से ईस्ट लाइक बॉडीज बना ले रहा है, बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्यूला कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्यूला कंडीशन या फिर टॉर्यूला स्टेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्यूला स्टेज कहाँ मिलती है और टॉर्यूला स्टेज क्या होती है। तो टॉर्यूला कंडीशन हमें म्यूकर में देखने को मिलती है, और उसमें क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस करवा देते हैं, ठीक है, लिक्विड कल्चर का में ऑक्सीजन की एब्सेंस करवा देते हैं, म्यूकर को हम बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, तो उसका जो फिलामेंटस फॉर्म होता है हाइफी का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट लाइक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लाइमेडोस्पोर के थ्रू भी हो सकता है, और स्पोरेंजियोफोर और एप्लेनोस्पोर के थ्रू भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही आ गया, कि कोई पार्ट अगर ब्रेक हुआ तो वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लाइमेडोस्पोर में हमें ये देखने को मिलता है, देखो कि ये हमारा, अगर ये माइसीलियम है, ठीक है, ये क्या है हमारा पूरा माइसीलियम है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ये क्या बना लेता है, और ये ऑयल लाइक, जैसे हम बोल सकते हैं कि थिक कवरिंग अपने चारों ओर कर लेता है कहीं कहीं पे, ठीक है। ये माइसीलियम का जो ये पार्ट होगा, कंटेंट होगा, वो यहाँ पे डेंस हो जाएगा और थिक कवरिंग बना लेगा अपने चारों ओर, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्लाइमेडोस्पोर, ठीक है। ये क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन को भी झेल सकते हैं, कभी अगर अनफेवरेबल कंडीशन, हल्का सा कुछ स्ट्रेस आया, बाकी सब कंडीशन फेवरेबल हैं, कुछ स्ट्रेस आया, एक दो चीजों का अगर स्ट्रेस आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसके हाइफी में ये थिक स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लाइमेडोस्पोर। ये क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसको झेल के जब वापस से कोई फेवरेबल कंडीशन आएगी उसमें जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है वो है एप्लेनोस्पोर, जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है, और एप्लेनोस्पोर बहुत ही कॉमन टाइप का, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता होगा जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कब टेक प्लेस करता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा, ये हमारा म्यूकर है, ठीक है, ये म्यूकर का पार्ट है, ये क्या है, स्पोरेंजियम है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्पोरेंजियम है। जो भी हाइफी होगी वो क्या करेगी, उसका टिप डेवलप होगा, उसका टिप धीरे धीरे स्वेलअप होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ वो ग्रो करेगा, स्वेलअप होगा और ऊपर की तरफ को ग्रो करेगा। जब स्वेलअप होगा और ऊपर की तरफ को ग्रो करेगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म, और इसको हम बोल सकते हैं इनर वाले साइड को, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वैक्यूलेटेड पार्ट होता है, ये क्या हो गया, वैक्यूलेटेड पार्ट, ठीक है, वैक्यूलेट, यहाँ पे वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। ये क्या होगा, पेरिप्लाज्म हो गया कि आउटर साइड पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, बट इनर साइड पे ये क्या हो गया, यहाँ पे वैक्यूल का डेवलपमेंट होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलुमेला, क्या बोलते हैं इसको, हम कॉलुमेला बोलते हैं। और यहाँ पे पेरिप्लाज्म प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हमने बोलते हैं पेरिप्लाज्म, और वहां पे से किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे
स्पोर्स हैं। अब ये स्पोर्स किसी सबस्टेटम में पड़ेंगे जहां पे भी उसको प्रॉपर कंडीशन मिल रही होगी, नरिशमेंट, ह्यूमिडिटी, जो भी चीजें चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, वो सब चीजें अगर मिल रही होंगी तो वहां पे क्या करेगा, वो हाइपी का डेवलपमेंट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, हाइपी का डेवलपमेंट करेगा, न्यू माइसिलियम का डेवलपमेंट करेगा और न्यू प्लांट में जर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप मैं पढ़ के बताती हूँ कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द हाई लाइन ब्रांचेस ऑफ द माइसिलियम विच बियर स्पोरेंजिया एट द टिप आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियो फोर। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्पोरेंजियो फोर है जो हमारे स्पोरेंजियम को बियर करेगा, स्पोरेंजियो फोर स्पोरेंजियम को पकड़ के रखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं। जो स्पोरेंजियो फोर होगा वो स्पोरेंजियम को बियर करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। ठीक है, द टिप ऑफ द स्पोरेंजियो फोर स्वेल एंड साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस मूव इनटू दिस पार्ट। जो टिप होगा वो स्पोरेंजियो फोर का टिप क्या होगा, स्वेल अप होगा और नीचे के सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहां इकट्ठे हो जाएंगे, स्पोरेंजियो फोर के जो स्वेलन वाले टिप है उसमें इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। जब नीचे सारा पार्ट ऊपर की तरफ को जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज होगा, और उसी एनलार्ज वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, और मैच्योरिटी के टाइम पे जितना भी स्पोरेंजियम का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, मल्टीन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डेंसली साइटोप्लाज्मिक स्पोरोप्लाज्म, ये वाला पेरिप्लाज्म वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, और फिर नीचे अंदर वाले पार्ट को जिसको हम बोलते हैं कॉलुमुला या वैक्यूलेटेड उसको हम बोलते हैं कॉलुमुला प्लाज्म। ठीक है, ये पेरिप्लाज्म और ये कॉलुमुला प्लाज्म, फिर वहां से स्पोर का रिलीज होगा, स्पोर जर्मिनेट करेंगे किसी सबस्टेटम में अगर पड़ेंगे, फिर यही साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, सो अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के बारे में बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है, यानी कि जो कॉपुलेटिंग गैमेटेंजियम होंगे वो क्या होंगे, आइसोगैमस टाइप के होंगे, यानी कि सेम, आइसो मीन सेम। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आइसोगैमेट है ये प्लस स्ट्रेन दिख रहा है आपको और ये माइनस स्ट्रेन। ठीक है, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन देखने में क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोगैमस टाइप का। ये जो गैमेट है, ये गैमेट की तरह जो बिहेव कर रहे हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आइसोगैमेट्स की तरह। ठीक है, आइसोगैमेट्स, ठीक है, इसीलिए हम इसको आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली वो क्या होता है, सिमिलर होते हैं। जो म्यूकर की जो स्पीसीज है वो होमोथैलिक भी हो सकती हैं और हीटरोथैलिक भी हो सकती हैं, यानी कि ये जो होंगे ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के पार्ट हो सकते हैं और दूसरे के भी। ठीक है, प्लस और माइनस स्ट्रेन भी हो सकते हैं और उसी एक ही ऑर्गेनिज्म, होमो मीन्स सेम, थैलस थैलिक मीन्स थैलस, तो यानी कि सेम थैलस से भी हो सकते हैं जो आइसोगैमेट की तरह बिहेव करेंगे, और हीटरोथैलिक, हीटरो मीन्स डिफरेंट, थैलिक मीन्स थैलस, डिफरेंट थैलस से भी हो सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट थैलस से आइसोगैमेट की तरह बिहेव करेंगे या फिर सेम थैलस से आइसोगैमेट की तरह बिहेव करेंगे। और जिसको सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसमें तीन मेजर स्टेप होते हैं, थ्री मेजर स्टेप इसमें जो होते हैं वो होता है इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, यानी कि प्रोगैमेटेंजियम का फॉर्मेशन होना, फिर क्या होता है जो गैमेटेंजिया है उनकी ग्रोथ होना टुवर्ड ईच अदर, देन क्या होगा, फ्यूजन होगा टू फॉर्म द जाइगोस्पोर, फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजियम टू फॉर्म द जाइगोस्पोर। ये तीनों पार्ट में कंप्लीट सेक्सुअल साइकिल क्या होती है, म्यूकर की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आप ये तीनों स्टेप आपको समझ में आ गए, दैट मींस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्यूकर का समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखो कि ये पार्ट में क्या होगा, ये आपको पार्ट दिखा रहा है, ये क्या है, प्लस स्ट्रेन है, ये माइनस स्ट्रेन है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आइसोगैमेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये एज अ प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है, किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है, प्रोगैमेटेंजिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज ग्रो करे तो उनको हमने बोल दिया, और मैच्योर हो गए तो उनको हमने बोला गैमेटेंजियम, किसके तरह बिहेव करने लगे आप, गैमेटेंजियम, प्रोगैमेटेंजियम मैच्योर हो गए और किसमें कन्वर्ट हो गए, गैमेटेंजियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक हो गया, अब ये इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यानी कि दो गैमेटेंजियम क्या हो गया, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के गैमेटेंजियम में कॉपुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यही करेक्टरिस्टिक फीचर है म्यूकर का कि इसमें क्या होता है, जाइगोस्पोर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, अब ये जाइगोस्पोर क्या करेगा, डेवलप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहेगा, फिर क्या करेगा, इसमें से जाइगोस्पोरोफोर निकलेगा, ये वाला स्पार्ट, ये यहाँ पे से क्या डेवलप करेगा, ऐसे करके जाइगोस्पोरोफोर का डेवलपमेंट करेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, जाइगोस्पोरोफोर या जाइगोस्पोरेंजियोफोर या जाइगोस्पोरोफोर। ठीक है, जाइगोस्पोरेंजियोफोर, ठीक है, जाइगोस्पोर में से स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, जाइगोस्पोरेंजियोफोर। एसेक्सुअल साइकिल में हमने देखा था कि स्पोरेंजियोफोर बोल रहे थे वहां पे, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोरेंजियोफोर, यानी कि स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट कहां से हो रहा है, जाइगोस्पोर से हो रहा है। ठीक है,
स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट हुआ और उसकी टिप जो होगी स्वेलअप होगी, जितना भी मल्टीन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होगा वो सारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। जाइगोस्पोर कैसा था हमारा, 2n नंबर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स क्या होंगे, इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे, किसी प्रॉपर सबस्टेटम में पड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और वहां से फिर न्यू माइसीलियम, न्यू हाइफी का डेवलपमेंट करेंगे। न्यू हाइफी के बाद न्यू माइसीलियम बनाएंगे और फिर कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख के गए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।